इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.2 का। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल ए 90 डिग्री है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और जो 90 डिग्री है वो हम ए पे रखेंगे, और साथ में ये भी कहा गया है, ये ए है जो कि 90 है, कि ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं और हमें ज्ञात करना है एंगल बी और एंगल सी, हमें ये दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या दिया है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, साथ में ए बी बराबर ए सी है और हमें ज्ञात करना है एंगल बी क्या है और एंगल सी हमें बताना है। ऑलराइट, तो देखो बड़ा इजीली ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये हमें पहले से ही पता है 90 डिग्री, तो ये दोनों आराम से निकल जाएंगे क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है। चलो मैं यहां पर लिखता हूं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो, चूंकि ए बी बराबर है ए सी के, तो इसीलिए एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। इसका कारण वही है जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने समान कोण होते हैं, तो समान भुजाओं के सामने समान कोण होते हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए हैं। वेल, इसके अलावा आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये क्या है, ये 180 डिग्री होता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, आप लिख सकते हैं यहां पे। अब इसमें देखो एंगल बी एंगल ए तो 90 डिग्री है, एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर हैं, तो मैंने सी की जगह पे भी बी लिख दिया है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब इसके बाद 90 अपनी जगह पे ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल बी ये 2 एंगल बी हो जाएगा और ये 2 एंगल बी बराबर, अब ये इस तरफ आएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा और ये 2 एंगल बी है तो ये हो जाएगा 90 और एंगल बी हो जाएगा 90 अपॉन 2 यानी 45 डिग्री। अब एंगल बी 45 डिग्री है तो इससे हमारा एंगल सी भी निकल जाएगा, ठीक है ना। नाउ चूंकि एंगल सी और एंगल बी आपस में बराबर हैं, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।